का आयोजन क्लस्टर पर होगा। इसी तरह से बीपीआई ब्लॉक प्रोग्रेस इंप्लीमेंटेशन यूनिट, डीपीआई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस इंप्लीमेंटेशन यूनिट, जिसकी अध्यक्षता माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय करते हैं, माननीय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी महाराज हैं। ये एक क्रम है, एक सिस्टम है कि पहले सीआरसी पर, उसके बाद ब्लॉक पर और फिर डिस्ट्रिक्ट पर हम सभी साथी बैठ करके अपने अनुभव साझा करते हैं और आगामी माह के लिए अपनी योजना तैयार। प्रत्येक महीने डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर एजेंडा आता है। एजेंडे में बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको किन बिंदुओं पर काम करना है, हमें कहां पर सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है, डिपार्टमेंट का भी ये मानना है कि हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, भले ही हम कितने भी अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जुलाई माह की मैं बात करूं तो अभी हमें जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से दो दिन पहले एक चिट्ठी प्राप्त हुई और उस चिट्ठी में बड़े अच्छे से लिखा हुआ था कि आपको इन 8 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। वो चिट्ठी जैसे ही हमें प्राप्त हुई, हमने वो चिट्ठी आपके पास पहुंची और आपके पास पहुंचाने के बाद आज उन्हीं बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए हम और आप सभी एकत्रित हुए। साथियों, इसमें सबसे पहले था अकेडमिक मेटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट के द्वारा बुक्स आई हमारे पास, जिसमें हमारे टीजी थे, हमारे बच्चों के लिए वर्कबुक थी, वो किस समय हमें मिली, क्या उसी समय हमें सीआरसी में मिलने के बाद हमने बच्चों तक पहुंचाई, तो मुझे लगता है कि जिस डेट में बी ऑफिस से हमें पुस्तकें मिली उसी डेट में वो पुस्तकें हमने आप तक पहुंचाई और आपने भी जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं विद्यालय में उन सभी तक पहुंचा दिए, ऐसी मेरे पास सूचना है। उसके रिगार्डिंग एक गूगल फॉर्म भी आपने शायद भरा होगा, डिपार्टमेंट ने भरवाया। दूसरा बिंदु आता है साथियों बाल वाटिका। पिछली बार शुरू हुआ एक कार्यक्रम है, उसके आपको पता है नियम क्या है, उसमें हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दाखिला दिलवाना है और उन बच्चों को MIS पर अपडेट भी करना है, ताकि सामने वाले अधिकारियों को, डिपार्टमेंट को ये पता चले कि भाई डाड़का में इतने बच्चे हैं, लोहना में इतने बच्चे हैं। और इस तरह से टीचर ट्रेनिंग का था, टीचर ट्रेनिंग पिछले दिनों हुई, हम सभी ने वो ट्रेनिंग की, उसमें अच्छे से हमने सीखा कि निपुण के अंतर्गत, FLN के अंतर्गत हमें नए अकेडमिक सेशन में क्या क्या काम करना है। इसके बाद था पेरेंट्स टीचर जो PTM हमारी हुई थी, उसके विषय में था कि अभी हमारे साथियों ने बताया कि डिपार्टमेंट के द्वारा दो चिट्ठियां हमें प्राप्त हुई। पहली चिट्ठी में स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये जो PTM है केवल प्राथमिक विद्यालयों में होनी है, वो सभी में नहीं हुई थी, यदि आपको ध्यान हो तो प्राथमिक विद्यालयों में हुई थी, क्योंकि उसका उद्देश्य था ग्रीष्मकालीन अवकाश पर चर्चा कि हमने ये इतने बिंदु दिए, क्या उन पर बच्चों ने काम किया नहीं किया, उसके दादा दादी से, चाचा चाची से, माता पिता से हमें चर्चा करनी थी और उन बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद वो PTM में हमें उस डिटेल को लिखना था। तो कुल मिलाकर के वो PTM आपने की होगी। अब सवाल ये आता है कि PTM में तो बहुत कम अभिभावक आते हैं, अभी मैं गूगल फॉर्म की बात कर रहा था तो शायद एक दो लोगों ने वो भी नहीं भरा, तो मैं आपकी जानकारी में बता दूं, शायद जिन लोगों ने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है उनके लिए सैल्यूट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक PTM का प्रॉपर रजिस्टर नहीं बना रखा, आप PTM का रजिस्टर बना लें, हर महीने PTM का आयोजन करें, जब जब समय समय पर डिपार्टमेंट के द्वारा PTM के लिए आदेश आता है उस समय पर हम PTM की कार्रवाई लिखें, जैसे मैंने आज की कार्रवाई लिखी है इसी तरह से आपके पास एक बायकायदा रजिस्टर हो जिस पर ऊपर लिखा हो PTM रजिस्टर, समझ गए आप, PTM रजिस्टर में हर महीने एक मीटिंग तो कम से कम हो, दो हो सकती है, कोई इशू नहीं। ठीक इसी तरह से SMC के जो साथी बैठे हैं यानी जो मुखिया बैठे हैं वो भी ये सुनिश्चित करें कि हमारी हर महीने SMC की मीटिंग होनी चाहिए। अब PTM में ऐसा नहीं है भाई चार आदमी बैठ गए और एक फोटो खींचे, ऐसा नहीं, आप ये प्रयास करें PTM की प्रॉपर सूचना लिखित में बच्चों के द्वारा पेरेंट्स पर जाए, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा पेरेंट्स पर जाए, फोन के द्वारा पेरेंट्स पर जाए, PTM में कम से कम 50% से अधिक अभिभावक भाग लें, ऐसे एफर्ट्स आपके द्वारा किए जाते हैं। उसमें कितनी महिला उन्होंने भाग लिया, इसके साथ साथ किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, ताकि कोई अधिकारी हमसे पूछने लगे कि आपके यहाँ पिछली PTM का आयोजन हुआ तो हम एक साथ देख करके बता दें, हमारे जहन हो कि हाँ जी हम तो हर महीने की पहली 6 तारीख को करते हैं, 6 की छुट्टी है तो हम 5 को करते हैं,
जैसे मैंने पिछले टाइम सीपीआईयू का एक प्रैक्टिस की थी कि मैं हर महीने की 3 तारीख को कराता था, तो मैंने 6-7 बार को कराई, फिर डिपार्टमेंट से है भाई अब नहीं ये तो फला तारीख को करानी। कुल मिलाकर के आपके पास पीटीएम का एक अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए और अच्छी संख्या पीटीएम में भाग लेने वालों की होनी चाहिए। फिर कहते हैं क्लासरूम प्रैक्टिस कि हम क्लासरूम में क्या कर रहे हैं। नया सेशन शुरू हो गया गुरु जी, नया सेशन शुरू होने का मतलब यह है कि हमारे अंदर भी नई ऊर्जा होनी चाहिए, एक एनर्जी के साथ हम अपने क्लासरूम में काम करें। क्या जो चार्ट पिछले साल 6 महीने पहले लग रहा था वही लग रहा है? शरीर के अंगों के नाम, फलों के नाम, जनवरी फरवरी। क्या आज मुझे मात्रा का ज्ञान कराना है, उस मात्रा से संबंधित कोई चार्ट या टीएलएम मेरे क्लासरूम में है या नहीं? यदि सीआरसी आपकी क्लास को देखने आ रहे हैं, बीओ आपकी क्लास को देखने आ रहे हैं, तो आपके पास जिस पाठ को आप पढ़ा रहे हैं, जिस दक्षता को आप पढ़ा रहे हैं, आपके क्लासरूम में उससे रिलेटेड प्रिंट विच, उससे रिलेटेड टीएलएम गुरुजी अवश्य होना चाहिए। और डीडब्ल्यूओ की पिछले दिनों मीटिंग हुई सर, उसमें गए थे तो वहां ये बताया था कि हर क्वार्टर में आपका प्रिंट विच चेंज होना चाहिए, यही बताया था सर हर क्वार्टर। तो कुल मिलाकर के ठीक है, कुछ चार्ट ऐसे हो सकते हैं जैसे मैं अभी बता रहा था, लेकिन आप ये प्रयास करें कि यदि 10 चार्ट मेरे क्लासरूम में है तो 2 या 4 चार्ट ऐसे हो सकते हैं जो रूटीन में चले आ रहे हैं, लेकिन 5 से 6 चार्ट ऐसे होने चाहिए जो कोई ऑफिसर आता है, मैं गणित पढ़ा रहा हूं, मैं जमा के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो जमा के लिए कुछ उदाहरण मैंने वहां पे दिखा रखे हैं या नहीं दिखा रखे, ये प्रयास आपने क्लासरूम में करना। इसके साथ साथ और जो बात है आई कार्ड, अभी 4 दिन पहले एक आदेश आया है कि कक्षा 1 से 5 के सभी विद्यार्थियों के लिए आई कार्ड आपने तैयार करा लें, तो इसमें जो मुखिया है वो बड़े गौर से सुन ले, आपको तैयार करा के वो बच्चों को देने हैं, उसका प्रॉपर क्या वो है वो उसमें डिटेल में दे रखता है, सबने भी शेयर किया है, मैंने भी शेयर किया है, यदि कोई इश्यू आता है तो पर्सनली आप हमारे पास फोन कर सकते हैं। फिर कहते हैं यूज ऑफ पीजी एंड वर्कबुक, हम सभी के पास नए पीजी आ गए, वर्कबुक आ गई, ऐसा ना हो वर्कबुक रखी हुई है पीजी में भी शुरू करूंगा जी, मेरे पास काम बहुत ज्यादा है जी, मैं तो बीएलओ हूं जी, मेरे पास ये परेशानी है, कोई भी नहीं सुनेगा। यदि मैं कक्षा 3 का अध्यापक हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी, मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले मैं कक्षा 3 का अपना काम करूं। और मजे की बात यह है, अच्छी बात यह है कि डिपार्टमेंट के द्वारा सारी चीज रेडीमेड आ रही है, एक प्लान आता है आपके पास शेयर करते हैं, वीकली प्लान देखा है आप सभी ने शायद, एक प्लान आता है उसमें देख सकते हैं। कुल मिलाकर के आप सभी ने उस प्लान के अनुसार काम, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप सभी के पास उचित रीजन होना चाहिए, और बल्कि यदि हमारा काम पूरा है और आप कहते हैं जी मैंने ये काम भी किया और ये भी कर लिया बड़ा अच्छा है, तो कुल मिलाकर के आप सभी ने अपने क्लासरूम में ये प्रयास करना है कि जो पीजी है उसमें दिन के हिसाब से आपने काम किया या नहीं किया, ये बहुत जरूरी है। जो काम कभी हो रहा है मेरे लिए मैं वहां